उजाला से बात कर रहे थे? हाँ, वो नवीन के अफसोस के लिए कॉल की थी उसने। हाँ, अब तो बहुत अच्छा मौका मिल गया होगा उसे दोबारा बात करने का, है ना? ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? अभी रिसेंटली आपकी जवान बहन की डेथ हुई है, पूरे घर में मातम का माहौल है और आप यहाँ बैठ के अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे हैं। मेरे आगे शो करें कि मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मुझसे बात नहीं की जा रही और यहाँ घंटों घंटों बैठ के उससे कॉल पे बात की जा रही है। नवाल, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बोले जा रही हो तुम? हाँ, बल्कि यही वजह है ना आपकी और अपना जाने की। कितनी बेवकूफ थी मैं, मुझे लग रहा था कि आप अपने पेरेंट्स की वजह से नहीं जा रहे, लेकिन असल वजह तो ये थी। इसके साथ टाइम स्पेंड करना था, इसको छोड़ के नहीं जाना था। शादी करने वाले होंगे ना अब तक तो आप लोग। हाँ, यही प्लान होगा। For God's sake, वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे नवीन की ताजियत करी थी और कोई चीज नहीं थी। ताजियत? ताजियत तो और लोगों से भी हो सकती थी, लेकिन आपसे ही करनी थी ना। आंटी थी घर में, अंकल थे, फायजा आपा है, जरबाब, 10,000 लोग हैं घर में। आहिस्ता बोलो नवाल, क्या हो गया? घर में और लोग भी रहते हैं, आहिस्ता बोलो। क्यों मैस क्रिएट कर रही हो तुम? मैं मैस क्रिएट कर रही हूँ? मैं रिएक्ट कर रही हूँ। आप ये हरकतें करना छोड़ देना, घर वालों की इज्जत का इतना ही ख्याल है तो छोड़ दें सब कुछ। नवाल, तुम्हें कुछ भी समझाना ना है, तुमसे कोई भी बात करना बेकार है, कोई फायदा नहीं है। और आपको समझाना आसान है?